अफगानिस्तान पर तालिबान राज के बाद जनता मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान राज के बाद जनता मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले साल काबुल पे कब्जे के बाद तालिबान ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके वादों की हवा निकलनी शुरू हो गई। महिला उत्थान का दावा करने वाले तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी है। स्कूल कॉलेज के जिन कमरों में स्कूली छात्राओं को बैठना था और पढ़ना था, उसमें तालिबान लड़ाके बंदूक लहराते हुए नाच रहे हैं। जबकि तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कहा था कि वे महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों में कटौती नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबानी नेताओं से स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने और महिलाओं को उनके सार्वजनिक अधिकार दिए जाने की अपील करता आया है। तालिबान मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सभी छात्रों से स्कूल आने के लिए कहा था। तालिबान प्रशासन में बाह्य संबंध अधिकारी वही दुल्ला हाशमी ने कहा कि नेतृत्व ने यह फैसला नहीं किया कि लड़कियों को कब और किस तरह से दोबारा स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।